कोक का एक छोटा मैक्रोपॉड है जो लगभग एक घरेलू बिल्ली के आकार का होता है। यह सेटोनिक्स जीन्स का एकमात्र सदस्य है। मैक्रोपॉड परिवार जैसे कंगारू और वॉल्बी के अन्य मार्सुपियल्स की तरह कोक का शाकाहारी और मुख्य रूप से निशाचर है। कोक्का का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा क्षेत्र है। वे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से कुछ छोटे द्वीपों पर निवास करते हैं, विशेष रूप से पर्थ के पास रॉटनेस्ट द्वीप और अल्बानी के पास बाल्ड द्वीप। पर्थ और अल्बानी के बीच जंगल और तटीय हीथ में भी अलग थलग बिखरी हुई आबादी मौजूद है। एक कोक्का का वजन 2.5 से 5.0 किलोग्राम होता है और 40 से 54 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी पूंछ होती है, जो कि मैक्रोपॉड के लिए काफी छोटी है। इसकी बनावट गठीली, पिछले पैर अच्छी तरह विकसित, कान गोल और सिर छोटा और चौड़ा होता है। इसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मूल रूप से स्थलीय द्विपाद सॉल्टेशन के लिए अनुकूलित था, लेकिन इसके विकास के दौरान इसका सिस्टम वृक्षीय हरकत के लिए बनाया गया है। हालांकि यह बहुत छोटे कंगारू जैसा दिखता है, यह छोटे पेड़ों और झाड़ियों पर 1.5 मीटर तक चढ़ सकता है। इसका मोटा फर भूरा रंग का होता है, जो नीचे की ओर हल्का पीला हो जाता है। कोक्का को औसतन 10 साल तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। कोक्का निशाचर जानवर हैं। वे एकैंथोकार्पस प्रीसी में दिन के दौरान सोते हैं, सुरक्षा और छिपने के लिए पौधों की स्पाइक्स का उपयोग करते हैं। कोक्का में एक अनिश्चित संभोग प्रणाली होती है। गर्भधारण के एक महीने के बाद मादा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे जॉय कहा जाता है। मादा साल में 2 बार जन्म दे सकती है और अपने जीवन काल में लगभग 17 जॉय पैदा करती है। जॉय 6 महीने तक अपनी माँ की थैली में रहता है। एक बार थैली छोड़ने के बाद जॉय 2 महीनों तक दूध के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है और जन्म के लगभग 8 महीने बाद पूरी तरह से दूध छुड़ा लेता है। मादा लगभग 18 महीने के बाद यौन रूप से परिपक्व होती है। जब एक मादा कोक्का जिसकी थैली में जॉय होता है और उसका पीछा कोई शिकारी करता है, तो वह अपने बच्चे को जमीन पर गिरा सकती है। जॉय आवाजें निकालता है जो शिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम कर सकती हैं, जबकि माँ भाग जाती है। कोक का मूल रूप से नूनगर शब्द से लिया गया है, जो संभवतः ग्वागा था। आज नूनगर लोग उन्हें बानगुप, बंजेप और क्वैकए के नाम से संदर्भित करते हैं। 1658 में डच नाविक सैमुअल वोलकर्ट्स जून ने द्वीप पर एक जंगली बिल्ली को देखे जाने के बारे में लिखा था। 1696 में डच खोजकर्ता विलेम डी व्लामिन ने उन्हें विशालकाय चूहे समझ लिया और वाडजेमुक द्वीप का नाम बदलकर टी आइलैंड टी रॉटनेस्ट रख दिया, जिसका डच में अर्थ है चूहे का घोंसला द्वीप। व्लामिन ने मूल रूप से उन्हें एक आम बिल्ली जितना बड़ा चूहा के रूप में वर्णित किया था। अधिकांश मैक्रोपोर्स की तरह कोक का घास, सेज और पत्तियों सहित कई प्रकार की वनस्पति खाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि गुइचेनोटिया लेडीफोलिया मालवेसी परिवार की एक छोटी झाड़ी प्रजाति कोक्का के पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक है। रॉटनेस्ट द्वीप के आगंतुकों से कभी भी कोक्का को भोजन नहीं देने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि चिप्स जैसे मानव भोजन खाने से निर्जलीकरण और कुपोषण हो सकता है, जो दोनों कोक्का के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। रॉटनेस्ट द्वीप पर ताजे पानी की सापेक्ष कमी के बावजूद कोक्का की पानी की उच्च आवश्यकताएं हैं, जिसे वे ज्यादातर वनस्पति खाकर पूरा करते हैं। मुख्य भूमि पर कोक्का केवल उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां प्रति वर्ष 600 मिमी 24 इंच या उससे अधिक बारिश होती है। औपनिवेशिक बसावट के समय
कोक का व्यापक और प्रचुर मात्रा में था, जिसका वितरण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में लगभग 41,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें दो अपतटीय द्वीप बार्ड और रॉटनेस्ट शामिल थे। 1992 तक 20वीं सदी में व्यापक जनसंख्या गिरावट के बाद मुख्य भूमि पर कोका का वितरण 50% से अधिक घटकर लगभग 1,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रह गया था। छोटे अपतटीय द्वीपों पर असंख्य होने के बावजूद कोका को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य भूमि पर, जहां इसे लाल लोमड़ियों, बिल्लियों और कुत्तों जैसी शिकारी प्रजातियों से खतरा है, इसे शरण के लिए घने जमीनी आवरण की आवश्यकता होती है। क्लियरफील्ड लॉगिंग, कृषि विकास और आवास विस्तार ने उनके आवास को कम कर दिया है, जिससे प्रजातियों की गिरावट में योगदान हुआ है। जैसा कि शेष दलदली भूमि को साफ करने और जलाने से हुआ है। इसके अलावा कोका में आमतौर पर एक बच्चे का आकार होता है और हर साल एक बच्चे का सफलतापूर्वक पालन पोषण होता है। हालांकि वे लगातार संभोग करते रहते हैं, आमतौर पर बच्चे पैदा होने के एक दिन बाद छोटे बच्चों का आकार, सीमित स्थान और खतरनाक शिकारियों के साथ मुख्य भूमि पर प्रजातियों की कमी में योगदान देता है। अनुमान है कि मुख्य भूमि पर 4,000 कोका रहते हैं। लगभग सभी मुख्य भूमि आबादी 50 से कम के समूह हैं, हालांकि 700 से अधिक का एक घटता हुआ समूह नन्नुप और डेनमार्क के बीच दक्षिणी जंगल में पाया जाता है। 2015 में नॉर्थक्लिफ के पास एक व्यापक झाड़ी की आग ने स्थानीय मुख्य भूमि की आबादी में से एक को लगभग खत्म कर दिया, जिसमें अनुमानित 500 कोकों में से 90% मर गए। 2007 में रॉटनेस्ट द्वीप पर कोका की आबादी 8,000 से 12,000 के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। द्वीप पर कोका के एकमात्र शिकारी सांप हैं। छोटे बाल्ड द्वीप पर, जहां कोका का कोई शिकारी नहीं है, जनसंख्या 600 से 1,000 है। गर्मियों के अंत और शरद ऋतु में रॉटनेस्ट द्वीप पर कोका की मौसमी गिरावट होती है, जहां वनस्पति की हानि और उपलब्ध सतही जल की कमी से भुखमरी हो सकती है। इस प्रजाति में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट 1930 से 1990 के दशक तक देखी गई, जब उनका वितरण आधे से भी कम हो गया। 1930 के दशक की शुरुआत में कोका की बहुतायत और वितरण में उल्लेखनीय गिरावट आई, और यह प्रवृत्ति आज तक जारी है। मुख्य भूमि पर उनकी उपस्थिति इस हद तक कम हो गई है कि वे केवल पर्थ के आसपास की झाड़ियों में छोटे समूहों में पाए जाते हैं। कोका को अब IUCN मानदंडों के अनुसार असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कोका को विलुप्त होने का पूरा खतरा नहीं है, फिर भी उन्हें खतरे में माना जाता है। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन जारी है, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलियाई परिदृश्य भी बदल रहा है। शाकाहारी होने के कारण कोका अपने आहार के साथ साथ सुरक्षा के लिए कई देशी पौधों पर निर्भर हैं। तापमान में वृद्धि भी कोका के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती पाई गई है, क्योंकि 1970 के दशक से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में औसत वार्षिक तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। कोका को IUCN रेड लिस्ट में खतरे में पड़ी प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कोका को इंसानों से बहुत कम डर लगता है और आमतौर पर लोगों के करीब आते हैं, खासकर रॉटनेस्ट द्वीप पर, जहां वे प्रचुर मात्रा में हैं। हालांकि कोका पहुंच योग्य हैं, लेकिन हर साल कोका द्वारा लोगों, खासकर बच्चों को काटने के कुछ दर्जन मामले सामने आते हैं। कोका के साथ मानव संपर्क पर प्रतिबंधों के अलावा उन्हें उच्च साल्मोनेला संक्रमण दरों के साथ मनुष्यों के लिए संभावित रूप से हानिकारक पाया गया है। यह उन वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध और प्रयोग किया गया है, जिन्होंने रॉटनेस्ट द्वीप पर जंगली कोका पर रक्त परीक्षण किया है। कोका को ऑस्ट्रेलिया के आसपास कई चिड़ियाघरों और वन्यजीव पार्कों में भी देखा जा सकता है,
जिनमें पर्थ चिड़ियाघर, तारोंगा चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ सिडनी, एडिलेड चिड़ियाघर और कैवर्शम वन्यजीव पार्क शामिल हैं। 2010 के दशक के मध्य में क्वोक्का ने इंटरनेट पर दुनिया के सबसे खुश जानवर और सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में ख्याति अर्जित की, क्योंकि उनके चेहरे की सामने की तस्वीरों में वे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वे वास्तव में मानवीय अर्थ में मुस्कुराते नहीं हैं। यह उनके प्राकृतिक चेहरे की संरचनाओं के कारण हो सकता है। मुस्कुराते हुए क्वोक्का की कई तस्वीरें तब से वायरल हो गई हैं और क्वोक्का सेल्फी एक लोकप्रिय सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ, शॉन मेंडेस, मार्गोट रोबी, रोजर फेडरर और आइकॉन के किम डोंग्युक जैसी हस्तियां इस गतिविधि में भाग ले रही हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।